दोस्तों हम अभी पहुंच चुके हैं चांदपुर गढ़ में, जो कि उत्तराखंड के 52 गढ़ों में से एक है और काफ़ी ये सुप्रसिद्ध गढ़ है। और आप देख सकते हैं, थोड़ा नीचे दिखाइए, ये देखिए, ये ऐसा कहा गया है कि जब यहाँ पर शासन हुआ करता था राजा कनकपाल, जो कंचुरी वंश के राजाओं में से एक थे 9वीं शताब्दी में, और कई इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि 8वीं शताब्दी में वो मालवा से यहाँ आए, या 9वीं, और कोई 11वीं शताब्दी भी बताता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी जो दीवारें हैं, या ये छोटी छोटी जो ये जगह है, ये सब यहाँ पे खुदाई पे मिली 2003 के बाद से, जब पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे खुदाई का काम किया। तो ये सारी चीज़ें जो है उस समय खुदाई में मिली थी, और ये इससे भी और बड़ा बड़ा यहाँ पर रहा होगा, पर इतना ही यहाँ पे मिला है। ये सारी दीवारें जो है, ये कहा जाता था कि यहाँ पे राजा की सेनाएं उस टाइम पे रहती थी, राजा का राजपाट यहाँ पे रहता था। और करीब 1.5 एकड़ के क्षेत्र में ये पूरा चांदपुर गढ़ फैला हुआ है। अब आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम बता देते हैं, कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा जो है इसको जो है जूम करके दिखाएं। हम जो है पहले इंग्लिश का पढ़ेंगे यहाँ पे। प्रोटेक्टेड ये मॉन्यूमेंट हैं। दिस मॉन्यूमेंट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, 24 ऑफ 1958। हुएवर डिस्ट्रॉयज, रिमूव्स, इंजर्स, एल्टर्स, डिफेसेस, इम्प्रिल्स और मिस यूज दिस मॉन्यूमेंट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट विच मे एक्सटेंड टू 3 मंथ, और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू द 5,000 रुपीज, और विद बोथ। अब जो है ये कहने का मतलब ये है कि एक संरक्षित स्मारक है और पुरातत्वीय स्थल ये है, जो भी यहाँ पर जो है नुकसान पहुँचाता है चीज़ों को, उसको भारी भरकम जुर्माना भी पड़ सकता है, और उसको जो है जेल की सजा भी हो सकती है। ये एक अवशेष अधिनियम है, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये चीज़ बताई गई है। अब थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको लेके चलेंगे मुख्य जगह पर, मुख्य स्थान पर। ये है किले का मुख्य स्थान। अब आप देखिए, थोड़ा सा कैमरामैन से निवेदन है कि नीचे दिखाएं। ये उस समय के, प्राचीन समय के जो राजा, जब यहाँ पे कनकपाल थे, उन्होंने शासन किया, तो किस तरीके से दिशा को दिखाया जाता था। मेरे हिसाब से ये डायरेक्शन को दिखाने के लिए ही ये चीज़ें बनाई गई थी। इधर भी दिखाएं, क्योंकि आज के समय में तो इस तरीके के नहीं हो सकता है, लेकिन ये उस समय की चीज़ों को इस तरीके से दिखाया गया था। और आप देखिए नीचे पत्थरों को भी देखिए, आप किस तरह के पत्थर हैं। यहाँ पे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थोड़ा बताई गई है। चांदपुर गढ़ क्या है भाई? ये एक द किंगडम एट चांदपुर गढ़ हैज हिस्टोरिकल आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स एंड इट्स एंटिक्विटी इज वेल एस्टेब्लिश्ड थ्रू इंस्क्रिप्शन ऑफ दैट पीरियड। ए पावरफुल चीफ कनकपाल इज सेड टू हैव अराइव्ड इन गढ़वाल फ्रॉम मालवा इन समवत 755। यानी जो है एक पावरफुल, शक्तिशाली जो राजा थे, पवार वंश के राजा थे कनकपाल, जो बताया जाता है कि जो है 8वीं शताब्दी में यहाँ पर आए, और यहाँ पर वो जो है रहे, उन्होंने चांदपुर गढ़ को जो है राजधानी बनाकर स्वयं को जो है राजा जो सोनपाल थे उनके ईयर के तौर पे, उत्तराधिकारी के तौर पे वो यहाँ पे आए हैं। विद्वान जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो अब भी उनमें ये धारणा है कि जो कनकपाल थे, ही वॉज द डिस्कवरर ऑफ पंजाब, पंवार राजवंश के वो संस्थापक यहाँ पे थे, ठीक है। और ये भी मान्यता है कि इसमें जो है सोनपाल ने चांदपुर में शासन किया, और अपनी इकलौती पुत्री, एकमात्र उत्तराधिकारी का विवाह मालवा से आए कनकपाल से किया। तो इन्होंने यहाँ पे जो है चीज़ें शासन किया था, इन्होंने यहाँ पे, ये पुरातत्व विद देहरादून मंडल 2013 के द्वारा यहाँ पे जो है ये इंफॉर्मेशन लिखी गई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उस समय के जो लोगों की जो एक कलाकृति थी, देखिए ये शिला, देखिए इस शिला को देखिए, इस तरीके की शिलाएं जो है आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर भी जो है आप पत्थरों को देख सकते हैं, किस तरीके के पत्थरों की नक्काशी की गई है। कैमरामैन से थोड़ा निवेदन है कि थोड़ा क्लोजली आके इन चीज़ों को दिखाएं। ये उस समय के जो राजा के टाइम पर ये शिलाएं बनाई गई है। अब ये कहा जाता है कि उस टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं, मतलब इनका वजन तो बहुत भारी होगा, लेकिन इनमें जो ये कलाकृति की गई है, ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय जैसे गहत की दाल होती थी, ये दाल को पीस कर उसके दानों को भी यहाँ पर लगाया जाता है ना, तो ये भी इसके बारे में एक मान्यता है। अब आप इसको देखिए, ये भी जो है सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ बनाई गई है,
अब इन सीढ़ियों का अगर आप वजन अगर तोलने पे आए तो ये तो मतलब कई टन इनका जो है वजन भारी होगा। आज के समय में इस तरीके की जो है सीढ़ियाँ बनाना मतलब किसी के लिए भी जो है आसान नहीं है। थोड़ा सीढ़ियों को दिखाएं, इस तरीके की सीढ़ियाँ बनाई गई है और मान्यता ये भी है कि ये जो सीढ़ियाँ हैं ये यहाँ से काफ़ी दूर से जो है इनको लाया गया है। ठीक है, अब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी लिखी गई है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा साफ सफाई का ध्यान रखना और कोविड के टाइम पे जो रूल और रेगुलेशन है उनके बारे में भी जो है बताया गया है। थोड़ा इधर हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए ये बैठने के लिए जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इनका अगर आप डिजाइन देखें तो किस तरीके से नक्काशी की गई है, डिजाइन किया गया है। आज के समय में इस तरीके का डिजाइन निकालना मतलब ये आसान नहीं है। ये दीवारें यहाँ पर दी गई है, नीचे भी जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर छोटी छोटी ये जगह बनी है, दीवारें दी गई है। ये कहा गया है कि पूरा राजा की जो सेना थी वो यहाँ पर उस समय पर रहा करती थी। आप पत्थरों में देखिए किस तरीके से नक्काशी की गई है, अलग अलग तरह के डिजाइन जो है यहाँ पर पत्थरों में बनाए गए हैं। इधर से भी आप देख सकते हैं, और अब ये भी कहा गया है कि जो उस समय के जो राजा थे वो पूजा पाठ में बहुत बिलीव करते थे। यहाँ की जो राज माता रही है वो राज राजेश्वरी नंदा देवी ही रही है। अभी हम थोड़ा मंदिर के भी दर्शन करेंगे, हम यहाँ पे जाना चाहेंगे। और ये है यहाँ पर मंदिर, महाराज राजेश्वरी का ये मंदिर है, यहाँ पर जाना चाहेंगे। ये माँ राज राजेश्वरी का मंदिर, थोड़ा कैमरामैन से निवेदन है कि थोड़ा सा जो है मंदिर की जो है यहाँ पर प्रतिछाया ले। काफ़ी अंदर तो हम नहीं जा सकते हैं पर इतना ही है, हमें मंदिर को दिखाना पड़ेगा। मंदिर के पत्थरों पर भी देखिए किस तरीके का डिजाइन निकाला गया है, ये भी जो है एक बहुत आकर्षित करने वाली जो है आकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई है। इधर भी देखिए, ये था यहाँ पे दुर्ग जो राजा का यहाँ पर जो है रहती थी सेनाएँ यहाँ पर रहा करती थी। तो ये आप इसको स्थान को भी जो है देख सकते हैं पूरा यहाँ पर। और ये हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है, जैसा कि सभी को पता है ये एक जो है कल्चरल हेरिटेज है। इधर देखिए, अब थोड़ा सा निवेदन करूँगा कि ये देखिए किस तरीके के डिजाइन निकाले गए हैं। आज के समय में इस तरीके का डिजाइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इस पत्थर का वजन भी आप देखें, ये हिलाया भी नहीं जा रहा है। तो अब ये सारे पत्थर ऐसा कहा गया है और ऐसा माना गया है कि जो है इधर से काफ़ी दूर जो है मजारी गांव जो था उधर साइड से जो है इन पत्थरों को यहां पर लाया गया है और तब इस तरीके से बनाया गया है। आप इधर भी देख सकते हैं कुछ जो ये शिलाएं हैं, पत्थर हैं, ये खंडित भी हो चुके हैं, लेकिन ये उसी समय के ये माने जाते हैं क्योंकि इन पे आप नक्काशी देखिए, डिजाइन देखिए। थोड़ा इसको क्लोजली दिखाने की कोशिश करें किस तरीके से जो है इसमें डिजाइन बनाया गया है, नक्काशी बनाई गई है यहाँ पर जो है पत्थरों पर। ये भी जो है आपको आश्चर्यचकित कर सकती है और ये बताता है कि उस समय के जो कलाकार थे वो कला में निपुण थे, किस तरीके से वो डिजाइन को बना सकते थे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इधर भी आप देख सकते हैं, इसको देखिए, यहाँ पे डिजाइन देखिए, दीवार का थोड़ा डिजाइन यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है बहुत बारीकी से जो है यहाँ पर जो है डिजाइन बनाया गया है। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। थोड़ा हम इधर साइड भी जाएंगे, अब हम मंदिर से बाहर आकर जो है इधर का आपको पीछे साइड से भी जो है थोड़ा दृश्य दिखाने की जो है हम कोशिश करेंगे। कैमरामैन से निवेदन है कि थोड़ा पीछे पीछे ही हमारे आए। टेक यू। और इधर भी आप देख सकते हैं, ये भी जो है यहाँ पर दीवार है, थोड़ा सा देख दिखाइए, ये इस चीज़ को दिखाइए, ये किस तरीके की जो है नक्काशी की गई है, बहुत ही ज़बरदस्त। इस तरीके का डिजाइन निकालना वो भी पत्थर में, ये आज के समय में मतलब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन की तरह लगता है ये, बट उस समय के लोगों का ये कलाकृति देखते ही बनती है। किस तरीके से जो है इस डिजाइन को बनाया गया था, ये अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है। और कनकपाल ने भी इसको अपनी राजधानी यहाँ पे वो इसलिए रहा क्योंकि ये एक दुर्ग ऐसा है जो काफ़ी ऊंचाई पर है, मुख्य सड़क से 200 मीटर की ऊंचाई पे है और यहाँ से चारों ओर पहाड़ियाँ आपको दिखती है। थोड़ा सा आप दिखाइए, ये इधर से जो है पूरी पहाड़ी आपको देख
देखने को मिलती है। और जो राजा महाराजा जो लोग हुआ करते थे उनको तो इसी तरीके की चीज़ें पसंद थी ना, मतलब इसी तरीके का उनको डिजाइन, इसी तरीके का जहाँ पर उनको चारों तरफ देखने को मिले उसी तरह जगह पर वो रहते थे, इसीलिए उन्होंने शायद यहाँ पे इस जगह को चुना था। और ये बहुत ही एक बेहतरीन जगह है। ये ऐसा कहा जाता था कि इस तरीके से जो है उस टाइम पे इस तरीके की खिड़कियाँ हुआ करती थी। ये देखिए ये जो है जो मंदिर भी है बना हुआ भी है, लेकिन इस तरीके की खिड़कियाँ जो है डिजाइन में उस तरीके से खिड़कियों को उस टाइम पे बनाया जाता था। तो ये भी एक कलाकृति है जिसे हम देख सकते हैं। ये मंदिर के ठीक पीछे का भाग और इधर से जो है दीवारें भी बनाई गई है। यहाँ पर आप कुछ पत्थर के जो है डिजाइनों को देख सकते हैं, किस तरीके से जो है ये पत्थर जो है खंडित हुए हैं। इन पत्थरों को भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए किस तरीके से इन पत्थरों पे डिजाइन निकाला गया है, किस तरीके से इन पत्थरों पर एक नक्काशी की गई है। ये भी जो है इधर आप देख सकते हैं पत्थरों को किस तरीके से नक्काशी की गई है। यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि राजा की सेनाएं जो है कभी जो है दरबार लग सकता था। ये सारी जो चीज़ें हैं ये देखकर जो है कहीं ना कहीं हमें इतिहास की ये एक याद दिलाता है। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इतिहास है जो हम जब देखते हैं तो हमारा मन जो है मंत्रमुग्ध हो जाता है। थोड़ा एक बार हम पूरा चक्कर जो है और इस दुर्ग का जो है हम लगाएंगे, इस गढ़ का हम पूरा लगाएंगे। और काफ़ी जो है एक जो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त दृश्य है यहाँ पर। अभी जो है शाम का समय है और इस समय यहाँ पर बहुत अच्छी सी हवा भी चल रही है और मज़ेदार जो है ये सीन हमको अभी देखने को मिल रहा है। यहाँ से आगे आदि बद्री धाम भी यहाँ से 3 किलोमीटर की 1.5-2 किलोमीटर एक्चुअली की जो है दूरी पर जो है हमें देखने को मिल जाएगा। तो आप देखिए अब हम यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं। सस्टेन योर हेरिटेज एंड फील ग्लोरियस आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये बताया गया है कि हमारी जो प्राचीन जो धरोहर है, जो हमारी जो पुरानी जो धरोहर है उसको हमें जो है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसका आदर करना है और वो ही हमारे लिए एक बहुत आनंद का विषय है। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी जो है ये दीवार है। इस दीवार की डिजाइंस को देखिए, ये तो आपको वाकई जो है बताएगा कि कितना उस टाइम के लोगों में कलाकारी थी। ये बहुत ही क्लोजली अगर आप इसको देखें तो इसको जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उस टाइम पे जो दाल होती थी उनको पीस कर उनका लेप किया जाता था। तो ये कहा जाता है कि ये दालों को पीस कर ये लेप किया गया है तभी ये इस तरह के मजबूत बनी हुई है। इधर आप देखिए खिड़की, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि इस तरह से उस टाइम के जो है जो खिड़कियां होती थी वो इस तरह की खिड़कियां होती थी। ये देखिए पूरा ज़बरदस्त कितनी बड़ी बड़ी जो है शिलाओं के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ से बहुत दूरी से जो है उस टाइम पे जो सैनिक होते थे वो इनको लाद कर यहाँ पर लाते थे और यहाँ पर बनाया गया है। तो सोचिए कितनी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा होगा, कितना ज़्यादा श्रम करना पड़ा होगा। ये बात भी दिखाता है कि उस समय के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती थे और श्रम बहुत ज़्यादा करते थे। यहाँ पर भी जो है ये मंदिर का स्थल है और ये कहा जाता था कि जो राजा थे वो यहाँ पर भी जो है पूजा अर्चना जो है काफ़ी यहाँ पर करते थे। ये मुख्य स्थल यहाँ पे होता था। ये पेड़ भी यहाँ पे पीपल का पेड़ भी है और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पीपल का पेड़ जो है बहुत ही पवित्र एक पेड़ माना जाता है। और यहाँ पर भी जो है राजा जो है पूजा अर्चना और उनके सैनिक पूजा अर्चना करते थे। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नाली किस तरीके से ये पत्थर पे डिजाइन निकाला गया है, इसे भी आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से पत्थर पे डिजाइन निकाला गया है। अब इस पत्थर को अगर मैं हिलाने की कोशिश करूं तो देखिए ये पत्थर हिल भी नहीं रहा है। मतलब अब इसका तो जो है कई टन में इसका वजन होगा। इतने बड़े बड़े पत्थरों को जो है यहाँ पर लाया गया है, ये कहा जाता है कि लाया गया है। तो ये अपने आप में उस समय के जो सैनिक थे उनकी सामर्थ्य को भी बताता है। तो एक बार फिर से पुनः से थोड़ा हम यहाँ पर जो है किले को दिखाएं और ये देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त दृश्य यहाँ पर सामने पहाड़, चारों तरफ पहाड़ी का दृश्य। इधर भी जो है चारों तरफ अगर आप देखें तो पहाड़ी का दृश्य है जो कि जो है बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देता